आइए दोस्तों, आज आपको लेकर चलते हैं अपने साथ ग्वालियर की जर्नी पर। मैंने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से गतिमान एक्सप्रेस बोर्ड करी थी ग्वालियर के लिए। सुबह 8:10 पर यह ट्रेन निजामुद्दीन से चलती है। 4 साल के बाद मैं एक ट्रेन में ट्रैवल कर रहा था, मज़ा आ रहा था थोड़ा। कुछ चीज़ें थी जो मेरे को शायद लगता था कि नहीं होती, बट आप अभी भी वो ट्रेन में अवेलेबल थी, जैसे ब्रेकफास्ट वो देते हैं और ये काफ़ी हाई स्पीड ट्रेन है। आगे आपको पता चलेगा कि कितनी स्पीड तक ये ट्रेन गई थी। कुछ ऐसे सीन्स मैंने शूट किए ट्रैक्स के, और फिर मुझे जब वी मेट मूवी का वो डायलॉग याद आया जिसमें वो स्टेशन मास्टर करीना कपूर को कहते हैं, देखो जिंदगी एक ट्रेन ट्रैक की तरह है, 1 इंच का बेंड और मीलों की दूरी। फिर ब्रेकफास्ट का टाइम था, मैंने टी ऑर्डर करी थी, साथ मफिन्स मिले थे। ये आप देख सकते हैं 144 के आसपास मैंने ट्रेन की स्पीड नोट करी थी, लेकिन जब 161 पे वो गई थी तो मैं उस टाइम लाइव शूट नहीं कर रहा था। ये देख सकते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया था उसका, 161 इसकी मैक्सिमम स्पीड मैंने नोट करी थी। फिर कुछ स्टेशन्स आते हैं जैसे यूजुअली हर स्टेशन हर ट्रेन में होता है। ये आगरा स्टेशन था जो कि ग्वालियर के रास्ते में आता है, और ट्रेन वहाँ रुकती है 2 मिनट के लिए। एक जगह मुझे याद है इन्होंने अनाउंस किया 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकेगी, लेकिन वो सिर्फ 30 सेकेंड्स वहाँ रुकी और 30 सेकेंड्स में ही चल पड़ी। फिर ये एक बड़ी फेमस जगह है जो आपने नाम सुनते ही आप पहचान लेंगे, चंबल, जो बीच में आती है, और अगर आप डे टाइम में ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये देखने के लिए मिलता है। पूरा फिल्मी माहौल लगता है वहाँ का देख के। हालांकि अगर आपने ये चीज़ ना सुनी हो इसके बारे में तो आपको कुछ डिफरेंस नहीं लगेगा, लेकिन ये शॉट बिल्कुल उसी तरह का डाकुओं की मूवी स्टाइल का ही लगता है। चंबल की घाटी, शायद बहुत मूवीज भी शूट हुई हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मेरे ख्याल, यहाँ पे एक पैरेलल ट्रैक भी लग रहा है। ऐसे शॉट्स लेने में बड़ा मज़ा आता है, बड़े सुंदर लगते हैं, हालांकि ट्रेन का जो शीशा है वो बहुत साफ नहीं था। फिर टाइम था हमारे ग्वालियर पहुंचने का। बहुत ही सुंदर सिटी है, बहुत रिच अपने कल्चर के लिए, काफ़ी अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स आएंगे बीच में। हम सिर्फ एक ही दिन के लिए गए थे, सुबह जाना था और शाम को वापस, कुछ वर्क रिलेटेड विजिट थी। ये थोड़ा ट्रेन के अंदर ऑरेंज कलर मुझे बड़ा अजीब सा लगा, पर उनका डिज़ाइन है। एंड वी रीच्ड ग्वालियर स्टेशन और उसके बाद हम बाहर गए। एज यूजुअल आपको हैगल करना पड़ता है जब आपको टैक्सी चाहिए जब आपको वहाँ के लिए। हमने इंडिगो हायर करी थी फॉर 8 आवर्स, और शायद हम 3 ही लोग थे गाड़ी में जो पूरे ग्वालियर में जिन्होंने मास्क पहना होगा, वरना हमने किसी के फेस पे मास्क नहीं देखा। और यहाँ पे सीट बेल्ट भी मैंने वॉलंटेरली पहनी थी, ड्राइवर ने कहा ज़रूरत नहीं है। ये जगह काफ़ी सुंदर है, काफ़ी हिस्टोरिकल, इसकी ज़रूर इम्पोर्टेंस होगी, अगर वहाँ रुकता तो देखता। फिर टाइम था हमारे सरोद घर पहुँचने का, जिसके लिए हम यहाँ आए थे। उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब का घर है वो, और इस रोड का नाम भी उस्ताद हाफिज़ अली खां मार्ग है। आप देख सकते हैं सरोद घर, उस्ताद हाफिज़ अली खां साहब जो लेजेंडरी म्यूजिशियन हुए हैं सरोद के, ये उनका घर है जो कि अब एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है। अगर आप उस्ताद अमजद अली खां साहब की इंटरव्यू सुने तो उसमें उन्होंने ज़िक्र किया है कि किस तरह उन्हें इंस्पिरेशन मिली इस घर को एक म्यूजियम में बदलने के लिए। राइट इन द मिडल इन द कोर्टयार्ड आपको उस्ताद हाफिज अली खान साहब की एक बस्ट मिलेगी, बहुत ही सुंदर बनी हुई है, एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसकी कंस्ट्रक्शन है, बहुत सुंदर है। हालांकि जो ओरिजिनल इसका डिज़ाइन था वो मैंने गुलजार साहब की, जो पुरानी उस्ताद अमजद अली खान साहब के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो यूट्यूब पर अवेलेबल है, मैंने उसमें देखा था। ये उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब जो लेजेंडरी म्यूजिशियन थे उनकी बस्ट है। इतने सिंपल, इतने सेंटली फिगर के इंसान थे ये,
जिसके बारे में आप सुन सकते हैं उस्ताद अमजद अली खान साहब के कुछ इंटरव्यूज़ में, जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया है इनके, स्पेशली द वन व्हेन ही वेंट टू राष्ट्रपति भवन टू रिसीव हिज पद्म भूषण अवार्ड, और इन्होंने जो उस टाइम के प्रेसिडेंट से ज़िक्र किया राग दरबारी के बारे में, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिससे उनकी सिंप्लिसिटी का पता चलता है। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा माहौल, बड़ी अच्छी आपको फील मिलती है जब आप अंदर जाते हैं। अगर आप इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के शौकीन हैं तो दिस इज़ अ पिलग्रिमेज अगर आप ऐसी जगह पर जाएँ। और ये ऐसा कोई म्यूज़ियम नहीं है जहाँ पर सिर्फ उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब या उन्हीं की फैमिली के इंस्ट्रूमेंट्स हों, यहाँ पर और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि डोनेट किए गए हैं, जैसे उस्ताद जाकिर हुसैन जी ने तबला डोनेट किया है और बहुत सारे म्यूजिशियंस ने। मैंने अंदर एक सुर सागर देखा जो कि एक बहुत ही ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट है, मोर और लेस लुक्स लाइक ए सारंगी, जो कि उस्ताद इकबाल खान अहमद खान साहब ने दिल्ली से डोनेट किया था। ये उस्ताद अमजद अली खान साहब के पुराने सरोद हैं, उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब के पुराने सरोद हैं जो वहाँ पर प्रिजर्व किए गए हैं, जो आप देख सकते हैं, जिनसे आपको ये भी पता, एवोल्यूशन का भी पता चलता है। ये मुझे बताया गया कि अयान अली जी ने इस कोलाज को बनाया था, जिसमें कुछ म्यूजिशंस के चेहरे में पहचान सका, जैसे ऊपर बेगम अख्तर जी हैं, उस्ताद अली अकबर खान साहब हैं, सबसे ऊपर पगड़ी में जिनकी फ़ोटो है वो उस्ताद हाफिज़ अली खान साहब हैं, कुमार गंधर्व जी हैं, सितारा देवी जी हैं, पंडित हरी प्रसाद चौरसिया जी हैं, नीचे पंडित जसराज जी हैं। कुछ को मैं पहचान पा रहा हूँ, कुछ को नहीं। उस्ताद जाकिर हुसैन जी हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, उस्ताद अमजद अली खान साहब की फ़ोटो है उसमें। ये एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो वहाँ पे लगी हुई है उस्ताद अमजद अली खान साहब की। ये उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी का तबला है जो कि उस्ताद राशिद मुस्तफ़ा थिरकवा जी ने डोनेट किया था म्यूज़ियम के लिए। ये पंडित किशन महाराज जी ने डोनेट किया था, पंडित कंठे महाराज जी का तबला। ये तानपुराज हैं, बहुत ही रेयर डिज़ाइंस, बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंस जो आपको मिलेंगे नहीं बाहर, ये सारे डिस्प्ले पर हैं वहाँ पे। अभी कुछ रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए पब्लिक के लिए अभी म्यूज़ियम बंद है, बट इट विल बी रेडी वेरी सून। ये वो इंस्ट्रूमेंट है सुर सागर जो मैंने मेंशन किया था, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही, आई एम श्योर जब ये बजता होगा तो इसकी टोन में बहुत जान होगी। फोटोज़ में आप शायद फिगर आउट ना कर पाएं बट इसका काफ़ी बड़ा साइज़ है, यूजुअल सारंगी से बड़ी। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब का स्वर मंडल है। फिर मैं ऊपर के फ्लोर पे भी गया था जहाँ पे और डिस्प्ले रूम्स हैं, फिर मैं टॉप फ्लोर पे भी गया जहाँ से राइट नेक्स्ट टू द म्यूज़ियम एक मॉस्क है, मस्जिद नज़र आती है, जो कि पुरानी गुलजार साहब की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें भी दिखाई गई थी, जहाँ पे उस्ताद अमजद अली खान साहब ने बैठ के ज़िक्र किया है। ये छोटी सी स्टेज है जिनसे आप ऊपर जा सकते हैं। आपको वीडियो थोड़ी डिस्टॉर्टेड लग रही होगी क्योंकि मैंने सुपर वाइड एंगल यूज़ किया था इसके लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू कवर मोर। ये गिरजा देवी जी के साथ उस्ताद साहब की फ़ोटो है, बिस्मिल्ला खान साहब के साथ आप देख सकते हैं। ये कुछ सितार्स हैं वहाँ पर रखे हुए, ये टेरेस पर था मैं जब, और राइट नेक्स्ट टू इट इज़ द मॉस्क जो कि आप पुरानी वीडियोज़ में, पुरानी स्टोरीज़ में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये भी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है। मुझे थोड़ा हाइट से डर लगता है बट थोड़ा पीछे खड़े होकर मैंने ये वीडियो शॉट लिया। दिस इज़ फ्रॉम द टॉप फ्लोर। राइट इन द मिडल जो कोर्टयार्ड में एक ट्री होता है वो बड़ी अच्छा वहाँ की एम्बियंस बनाता है। फिर मैंने उसी रूम से वापस एंटर किया। वाइड एंगल में आप देख सकते हैं काफ़ी डिस्प्ले पे रेयर इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बहुत सुंदर म्यूज़ियम है, और कहते हैं जो बहुत ज़्यादा रियाज की जगह हो, यहाँ पे बहुत रियाज किया गया हो, वहाँ पे एक रूहानी फील होती है जो आपको ऑटोमेटिकली महसूस होगी, एक स्पिरिचुअल फील जो फीलिंग जो आती है वो मुझे डेफिनेटली आती है ऐसी जगह पर जाके, खासकर जरूरत घर में भी। फिर टाइम था नीचे आके अपनी वापसी की जर्नी को प्रिपेयर करने का। आप इसमें इंद्रेक भाई को देख सकते हैं वो वीडियो में पीछे,
इज द आर्किटेक्ट ऑफ द सरोद घर। ये देखने में लगता है कि उर्दू में लिखा है, बट दिस इज एक्चुअली इन इंग्लिश। सरोद नवाज उस्ताद हाफिज अली खान ऑफ ग्वालियर, और नीचे ईयर मेंशनड है। फिर हमारा टाइम आ गया था वहाँ से निकलने का, रात की हमारी ट्रेन थी। दिस इज़ द ग्वालियर फोर्ट इन द नाइट, वेरी ब्यूटिफुल। ये मैंने फ़ोन से शॉट लिया था। ट्रेन की जर्नी तो सेम ही थी जैसे दिन में थी। सो हमारा टाइम था दिल्ली पहुँचने का, हमने शताब्दी ली, देन वी रीच्ड द दिल्ली स्टेशन एंड टूवर्ड्स होम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं ऐसे ही अपनी जर्नीज करता रहूँगा और आपके साथ वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।